नमस्कार, हिमाचल प्रदेश बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजस्थान के उदयपुर की घटना की सीएम ने की निंदा, गहलोत सरकार से किया आग्रह, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की कही बात। शिमला में 43 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास, सीएम जयराम ठाकुर ने किया लोकार्पण, पुलिस विभाग की 43 परियोजनाओं का हुआ शिलान्यास। सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का सीएम पर हमला, लक्ष्मण रेखा ना लांघने की दी चेतावनी। मुकेश अग्निहोत्री के परिवार के विरुद्ध टिप्पणी, गोपालदास वर्मा ने नेता प्रतिपक्ष से की मुलाकात, कहा सीएम ने मुकेश अग्निहोत्री के प्रति की गलत टिप्पणी। गुड़िया मामले के बयान पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने बयान को दिया निंदनीय करार, प्रतिभा सिंह से की माफी मांगने की मांग। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के उदयपुर की घटना पर सीएम जयराम ठाकुर ने घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की हिम्मत बढ़ गई है और हैवानियत की हदें पार कर दी हैं। उन्होंने गहलोत सरकार से आग्रह किया कि वे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। राजस्थान के उदयपुर में जो हाल ही में घटना घटित हुई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और इस घटना से एक बात जाहिर हो जाती है कि कुछ लोगों की हिम्मत और हौसला इस कदर बढ़ गया कि सारी हैवानियत की हदें पार कर ली। और मैं इस बात के लिए जरूर कहना चाहूंगा, गहलोत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि दोषियों के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है उसमें तुरंत कार्रवाई करें और सख्त कार्रवाई करें। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने पुलिस विभाग की 160 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली 43 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। वहीं राज्य सरकार प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में पुलिस विभाग की लगभग 160 करोड़ रुपए लागत की 43 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद कही। सीएम ने ओक ओवर शिमला से पुलिस विभाग के विभिन्न पुलिस थानों के लिए 20 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया और पुलिस चौकी संजोली को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने की घोषणा भी की। मैं हम पुलिस बल को और ज्यादा सशक्तिकरण की दिशा में लगातार कदम उठाते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि आज 20 गाड़ियां लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत की पुलिस विभाग को दी ताकि वो और बेहतर काम कर सके। और उसके साथ साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज हमने लगभग 160 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास, जो पुलिस के लिए पुलिस थाने, पुलिस चौकी, उनके रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के रूप में जो जरूरत हमेशा महसूस की जा रही थी अलग अलग स्थानों में, उसको भी हमने आज यहाँ पर वर्चुअल माध्यम से पूरा किया है। और 160 करोड़ रुपए के विभिन्न जो पुलिस के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो जो काम करने की ज़रूरत थी वो करने की हमने आज शुरुआत की है और उसके लिए भी मैं पुलिस विभाग को बधाई देता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार पुलिस विभाग के ऊपर काम का प्रेशर रहता है तो ऐसे में सुविधाओं की दृष्टि से जो चीज़ें करने की ज़रूरत महसूस की जा रही थी उन सारी चीज़ों को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच छिड़ी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री ने जहां मंडी में नेता विपक्ष पर हमला बोला और लक्ष्मण रेखा न लांघने की चेतावनी दी, वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी जवाब में मुख्यमंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अगर खुद ही लक्ष्मण रेखा लांघेंगे तो उनको भी जवाब देना आता है, वे किसी से डरने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री मुझे लगातार सलाह दे रहे हैं, मैं पिछले 72 घंटे से देख रहा हूं, लेकिन मेरी भी उनको सलाह है, वो भी लक्ष्मण रेखा के भीतर रहें। और जहां तक मुकेश अग्निहोत्री है, प्रतिपक्ष का नेता है, थोक बजा के है,
और हिमाचल प्रदेश में वो करेगा जो जनता की आवाज है, जो हिमाचल प्रदेश की जनता आवाम की आवाज है वो उठाता रहेगा। ये अगर डराने की कोशिश कर रहे हैं तो धमकाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। ये किसी और को नंबर डायल करें इस तरह से, ये सामने मुकेश अग्निहोत्री है, सर पे कफन बांध के बैठा है। आपने जो करना है, जो आपके दिमाग में है, सरकार जा रही है ना, विचलित हो रहे हैं, खौफ बना हुआ है। चाहे आप अपनी मंत्री लगा लें, पूरे सरकार लगा लें, कायनात लगा दें, चाहे जो करना है आपको आप करें, लेकिन मैं आपका कोई मतहत मुलाजिम नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बंधुआ मजदूर हूँ जो कि आपकी बातों पे जो है खौफ खा जाऊंगा। देखिए, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, आज भी आपसे ये बोल रहा हूँ कि हिमाचल एक सभ्यता के लिए जाना जाता है और हिमाचल में एक राजनीतिक दल विरोध का भी एक स्तर होता है। अब उस स्तर को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से हम लोग अपना स्तर और खास करके मुकेश जी ने तोड़ा है, हमने उस दिन भी इस चीज को कंडेम भी किया था और उनसे कहा था कि माफी मांगे और हिमाचल प्रदेश में ये गलत प्रथा ना डालें। अब आज आप बोल रहे हैं कि बार बार हमले, हमने तो कभी हमला आप पे किए नहीं। आप बार बार हर बात को पर्सनली अपने ऊपर लेके जाते हैं। जब आप ये बात बोलते हैं कि ओक ओवर खाली करो, आप किस अथॉरिटी से बोलते हैं? और सीएम साहब उस बात का जवाब देते हैं कि ये किसी के टब्बर की प्रॉपर्टी तो है नहीं, सच्चाई भी है कि इट इज नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो सरकारी मुख्यमंत्री का आवास है। लोग जिसको जिता के भेजेंगे, मुख्यमंत्री बना के बिठाएंगे, वो इस आवास में रहेगा और जब तक है मुख्यमंत्री तब तक वो वहां रहे। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व राज्य अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा मुकेश अग्निहोत्री के परिवार के विरुद्ध की गई टिप्पणियों के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री और गोपाल दास वर्मा के बीच कर्मचारियों, पेंशनर्स के मसलों के साथ साथ बेरोजगारी को लेकर भी बात हुई। मुकेश अग्निहोत्री से मुलाकात के बाद पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुकेश अग्निहोत्री के प्रति गलत टिप्पणी की है, उन्हें इस प्रकार परिवार पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री ने कभी भी गलत बात नहीं की है, वे सदैव मुद्दों की लड़ाई लड़ते आए हैं और प्रदेश में 4.5 साल में विपक्ष की आवाज को मजबूत बनाकर जनता की आवाज को उठाया गया है। जो ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, परिवारवाद पे हमला किया है, ये गलत है। हिमाचल प्रदेश में पहले कभी ऐसा नहीं होता था और विपक्ष के नेता जो मुकेश अग्निहोत्री जी है, इन्होंने कभी परिवारवाद पे कोई ऐसा किसी को ना लपेटा है, ना ये इनकी कोई सोच ऐसी लपेटने की है। और ये देखिए, आप हिमाचल प्रदेश में आज ये चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय इसलिए बना कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हेलीकॉप्टर उनके परिवार का नहीं है। अरे हेलीकॉप्टर किसी के परिवार का थोड़ी होता है, हेलीकॉप्टर तो सरकार का है, वो आप भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है। पर मुख्यमंत्री महोदय, ऐसी भाषा का जो उपयोग आपने किया है उससे तो मुकेश अग्निहोत्री का जो कद है वो हिमाचल की राजनीति में एक नंबर पे आया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा गुड़िया मामले को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने प्रतिभा सिंह द्वारा दिए गए बयान को निंदनीय करार दिया और माफी मांगने की मांग की है। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जुब्बल कोटखाई से बीजेपी उम्मीदवार नीलम सरेख ने कहा कि गुड़िया मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी सांसद प्रतिभा सिंह द्वारा दिया बयान निंदात्मक है और उनके विचारों को दर्शाता है जो कि महिला विरोधी है। संवेदनहीनता वाला बयान है वो अत्यंत आपत्तिजनक है, हम उनकी कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में रोंगटे खड़ी कर देने वाली जो वारदात, गुड़िया कांड का जो एक जघन्य अपराध जो हुआ था, उसको एक मामूली सी घटना करार देना, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। प्रतिभा सिंह जी एक महिला है और एक महिला होते हुए आप एक बेटी और एक नारी के प्रति ऐसी सोच रखती है जिससे पूरा समाज आहत है। प्रदेश सरकार इस बार मिड डे मील के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी केंद्रों को पौष्टिक आहार तहत सेब भी उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी होटल कारोबारियों से भी आग्रह किया जाएगा कि अपने होटलों में छोटी पैकिंग में सेब रखें, जिससे प्रदेश के बाहर से आने वाले पर्यटकों को आसानी से सेब उपलब्ध हो सके और वे होटल से ही सेब खरीद सकें। बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि इस विषय पर कैबिनेट में भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में शिमला जिला के पराला का प्रोसेसिंग प्लांट लिस्ट शुरू कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह हुई कि
मॉनसून अब पूरे प्रदेश में जो पूर्ण रूप से पहुंच चुका है। एक जो कमी रही थी हमारे बगीचों के अंदर नमी को लेकर के, अब वो नमी की कमी जो है पूरी हो जाएगी और अब बगीचों में सेब का जो साइज है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मार्केटिंग को लेकर के हमारा प्राड़ा का जो प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट है, वो हम 31 जुलाई से पहले पहले उसको तैयार करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो ही गया है। आपको बता दें कि प्रदेश भर के हजारों छात्र 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित होने के इंतजार में बैठे थे। आज हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से परिणाम घोषित कर दिया गया, जिससे छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस साल रिजल्ट 87.5% रहा है, साथ ही मेरिट लिस्ट में लड़कियों का दबदबा रहा। आप जानते हैं कि कोविड के समय से निकलकर ये सारे प्रयास हुए हैं कि जो बच्चों का एग्जामिनेशन हुआ है उसका परिणाम भी बेहतर ढंग से डिक्लेयर कर दिया जाए। हालांकि कोविड ने किसी न किसी तरह से इस सेशन को भी प्रभावित किया था, लेकिन एक ऐतिहासिक निर्णय बोर्ड के द्वारा सरकार की सहमति के अनुसार यहां पर टर्म सिस्टम इम्प्लीमेंट करने का ये कार्य किया है। कुल्लू में विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए कार्य कर रही साम्फिया फाउंडेशन में अब बच्चों के कान में सुनने की शक्ति के लिए ऑडियो स्मार्ट के माध्यम से जांच की जा रही है। वहीं इस ऑडियो स्मार्ट जांच के माध्यम से पता चल पाएगा कि बच्चों के कान में सुनने की क्षमता कितनी है और किस तरह से उनका आगामी समय में इलाज किया जा सकता है। साम्फिया फाउंडेशन के निदेशक रेखा ठाकुर ने बताया कि अब जिले में ऑडियो स्मार्ट की सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि ऑडियो स्मार्ट वास्तव में पोर्टेबल मिडिल ईयर डायग्नोस्टिक्स है, जिससे शिशुओं, बच्चों और वयस्कों में श्रवण हानि का पता लगाने के लिए ओएई और एबीआर की जांच की जाती है। ठाकुर है और मैं साम्फिया फाउंडेशन में डायरेक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट हूं। ऑडियो स्मार्ट एक पोर्टेबल स्क्रीनिंग टेस्टिंग मशीन है, जिसमें कि मेनली हियरिंग लॉस की जांच की जाती है और ये जांच जो है इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और एडल्ट्स की जाती है। इसमें मेनली दो तरह के टेस्ट उपलब्ध हैं, जिसमें कि एक जो टेस्ट है वो ओएई है, जिसको कि ऑटोस्टिक एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट बोला जाता है, जिसमें कि मेनली जो है जो हमारा इनर ईयर होता है उसकी फंक्शनिंग की मेनली उसके थ्रू जांच की जाती है। एबीआर जो है वो ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स है, इसमें जो मेनली जो हमारे इनर ईयर के थ्रू जो ब्रेन तक जो सिग्नल जाते हैं उनकी फंक्शनिंग की जांच की जाती है। और जिस तरह से हमारे पास आज ये ऑडियो स्मार्ट करके एक डिवाइस है जिससे कानों की टेस्टिंग होती है, और हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस बार जो रेडक्रॉस का जिला स्तरीय मेला कुल्लू में हो रहा है, वहां पर साम्फिया फाउंडेशन द्वारा इस डिवाइस को इंस्टॉल किया जाएगा और जो भी अडल्ट या फिर छोटे बच्चे होंगे उनकी फ्री में टेस्टिंग जो है हमारे केंद्र द्वारा की जाएगी, और जिससे कि समय रहते उनको पता चलेगा कि उनके कानों की जो स्थिति है उनका क्या स्तर है और किस तरह से उनको ENT या फिर अदर जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनके पास रेफर किया जाएगा। तो ये सेवाएं जो हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक रेडक्रॉस के मैदान में होगी जहां पर मेला मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।